आइए इस सेशन में हम लोग जानते हैं इग्नो के टॉप 4 कोर्सेस जो महज 4,000 रुपया से भी कम में आप एडमिशन ले सकते हैं और महीने का 30 से 40 हज़ार रुपया आप अर्न कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा है लेकिन आपको विश्वास करना होगा क्योंकि मैं आपको उसकी सारी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें फीस और उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको कहाँ कहाँ क्या करना पड़ेगा कैसे क्या करना पड़ेगा उस सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो आप निश्चित तौर पर ये सेशन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बिना देर किए हम आते हैं टू द पॉइंट्स पे और देखते हैं नंबर 1 में कौन सा कोर्स है। तो जैसा कि हमने इस वीडियो बनाया हुआ है इस कोर्स पे सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड CFAID और सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड। हाँ एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया कि 22 सितंबर 2022 तक एडमिशन डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया है इग्नू का। तो आप 22 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हैं। 12 दिन अभी भी आपका शेष है। तो चलिए आते हैं सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड क्या है। तो सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड आप सबको नाम से स्पष्ट है वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर कोर्सेस है इग्नू का और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इग्नू। और इसके द्वारा अगर आप सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड की डिग्री लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जल्दी से जॉब मिलेगा क्योंकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपने इन ये सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कीजिएगा। तो आपकी कॉम्पिटेंसी आपकी स्किल और आपकी डिग्री और आपके पर्सनैलिटी पर बिल्कुल भी जो है दोहरी मापदंड नहीं अपनाई जाएगी। आपका एक बार में सिलेक्शन किया जाएगा। तो उसके बाद तो ये तो हो गया सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड की। एक और दूसरा पहलू देखा जाए कि अभी शहर हो या ग्रामीण हो बड़ा शहर हो या छोटा शहर हो जिस भी लेवल का हो दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। स्नेक बाइटिंग हो गया स्नेक बीटिंग हो गया इंजरी एक्सीडेंट इलेक्ट्रिसिटी शॉक वगैरह बहुत सारे चीज़ें हो जा रही है। तो इन सब में क्या हो रहा है कि एक तुरंत तो डॉक्टर के पास आप नहीं पहुंच जाते हैं जो रिमोट एरियाज में है वहाँ पे नहीं। तो वहाँ पे ये सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड होल्डर वाले जो हैं ऐसे व्यक्तियों की जान की रक्षा करते हैं। तो निश्चित तौर पे उसके एवज में लोग जो है खुश होकर आर्थिक मदद उनको करते हैं जो उनकी सेवा है उसकी मेहनताना उनको देते हैं। तो सर्टिफिकेट फर्स्ट एड में अगर आप पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए ये कोर्स कंप्लीट करते हैं और आप एक बाइक लीजिए अपना मोबाइल नंबर हर जगह जगह दे दीजिए चौक चौराहे पर और हो सके तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाइए। उसमें क्या होगा कि लोगों के पास कभी भी कोई भी समस्या आएगी तो इमिडिएटली आपसे संपर्क कर लिया जाएगा और आप वहाँ पहुँच के उनका फर्स्ट एड कर दीजिए। इससे अगर हम आप एक सुबह इसका मेडिकल क्षेत्र में दिन और रात एक समान होता है तो एक मान के चलिए सुबह 6 बजे से लेकर अगर शाम के 6 बजे तक भी आप अगर ऑन ड्यूटी रहते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप जो है आर्थिक मदद जो है 1,000 रुपया तो आपको हो ही सकता है। इस हिसाब से भी अगर देखिएगा तो महीने का 30,000 रुपया आप अर्न कर सकते हैं और ये रियल में होता है मेडिकल क्षेत्र में जो है इनकी संभावनाएं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड की कुछ लिमिटेशंस हैं तो आपको उस लिमिटेशंस के अंदर ही आपको काम करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए जो दूसरा इम्पोर्टेंट कोर्स है। अच्छा फीस की तो हमने आपको बताया नहीं। आपको सर्टिफिकेट फर्स्ट एड में 3,700 रुपया आपको इसमें 300 रुपया इंक्लूड है रजिस्ट्रेशन फीस तो आपको 3,700 रुपया टोटल लगेंगे। तो 4,000 से कम ही है जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि 4,000 से कम की राशि है। नेक्स्ट आइए CHBSC सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। ये क्या है नाम आपको लगा होगा कि दूसरा टाइप का है। 2,400 रुपया मात्र इसमें एडमिशन है और महज 10th पास कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। आप समझ सकते हैं 2,400 रुपया और 300 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस मतलब 2,700 रुपया में आप एडमिशन मिल जाएगा 3,000 से भी कम की राशि। अब इसमें फायदा क्या होगा कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ की डिजीज नहीं है और जहाँ के लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो आपका काम क्या है कि जो डॉक्टर्स के लिए दिए गए प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई है वो दवाई के अनुसार से आप उस पेशेंट का केयर करना बहुत अच्छे तरीके से किसी प्रकार की इमरजेंसी केयर हो या फिर सुई देना हो टेबलेट कब खाना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है एक विशेष
केयर आपकी सुपरविजन में ये बनी रहेगी। और इसी तरह से अगर आप 25 घर में काम कर रहे हैं, 25 घर में आप लोगों की देखभाल करते हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए उस हिसाब से 30 घर भी अगर जाते हैं, हम क्यों 30 घर, आप अगर शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं तो उसके हिसाब से आपको, हमको लगता है कि 40-50 घर तो ऐसा मिल ही जाएगा। आपकी नेटवर्किंग, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज स्किल कैसा है, इसे बहुत हद तक ये मायने रखता है। तो आप 30,000 इसको भी मान के चलिए कि आप 25 से 30 हज़ार, शुरुआत भले ही आपको 15,000 10,000 से हो, लेकिन वो 30,000 20,000 25,000 पे आ सकता है। तो ये चीज़ रहा। अब आइए सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन में क्या है कि ये 6 मंथ्स का कोर्स है। कोई भी हम जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो 6 मंथ्स का, आपको बताइए महज 1400 रुपया में एडमिशन होगा। 3 से रजिस्ट्रेशन, मतलब 1400 3 से 1700 रुपया में एडमिशन, महज 10th पास कोई भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकता है। अब एडमिशन लेने के बाद, कंप्लीट कर लेने के बाद क्या होगा, तो आप छोटा मोटा अपना रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हैं। आप ये लिट्टी समोसा या फास्ट फूड का आप थोड़ा बहुत अपना जो है दुकान शॉप दुकान चला सकते हैं, शॉप चला सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत होगी कि आप जब ये कोर्स कर लेने के बाद, जब आप इस तरह का छोटा रेस्टोरेंट या फिर शॉप चलाते हैं फास्ट फूड वाला, तो उसमें लोग आपके प्रति नज़रिया बदल देगा कि नहीं यार देखो ये पढ़ा लिखा है, सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन है। आपकी जो रेस्टोरेंट होगा, आपका जो शॉप होगा, वो इन्वायरमेंटली क्लीन होगा और किसी भी प्रकार से पोल्यूटेड फ्री होगा। वाटर आपका एकदम पूरी तरह से नॉन कंटामिनेटेड होगा। आपकी भोजन की गुणवत्ता भी बेहतर होगी, चाहे आप कोई भी फास्ट फूड बनाएं, उसमें सेफ्टी और क्वालिटी दोनों जो है आप बेहतर कीजिएगा। तो आपका काम जो है इस कोर्स की वजह से झलकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जहाँ पे भी शॉप दीजिएगा, रेस्टोरेंट दीजिएगा, तो अगल बगल के लोग जो है आपके इस कार्य को सराहेगा, तो निश्चित तौर पे लोग आपके पास आएंगे। और ये कोर्स से आपकी सोचने की लिमिटेशन बढ़ेगा, तो आप अच्छे अच्छे इनोवेशन अपने कार्य में कर सकते हैं। और फिर अर्निंग की, अगर आप देख रहे हैं कि जो इस तरह का रेस्टोरेंट या फास्ट फूड का जो है 3 घंटा वहाँ काम करता है लोग, रात्रि में 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे 9 बजे तक काम करता है, तो उसमें लोग 3-4 हज़ार रुपया आसानी से पर डे के हिसाब से लोग अर्न कर जाते हैं। मोमो बना के, छोटा छोटा समोसा, इडली और क्या बोलते हैं वो सारा चीज़ जो है लोग गोलगप्पा, सब ये सब जो फास्ट फूड का आइटम है उस पर भीड़ लगी रहती है शाम के 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक, और उसमें लोग 3-4 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। आप अंदाज़ा कीजिएगा, आप 1,000 रुपया भी अगर पर डे कमाते हैं तो उन हिसाब से 30,000 रुपया तो आपका बन ही जाता है। उसमें कुछ लागत है, तो उसमें कुछ ज़्यादा लागत नहीं होती है, आपके काम स्टार्ट हो जाएगा, महज 1700 रुपया में एडमिशन आपका हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी तक जो हमने आपको बताया वो 4,000 से कम ही नहीं है। अब आइए नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, CCPD। इसमें क्या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको काम है, महज 8 क्लास पास और ITI जो किए हुए इलेक्ट्रिकल से वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर ITI नहीं भी है तो आप समझिए कि 10th पास तो आप कम से कम होंगे, वो आप 10th पास एडमिशन ले सकते हैं। महज 3200 रुपया एडमिशन है, 300 रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब 3500 रुपया में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगर मान के चलिए कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा अनुभव है, हो ही जाएगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत आपको कुछ किचन अप्लायंसेस का नॉलेज है, जैसे कुकर का हो गया, गैस का हो गया, कुछ फ्रिज का भी आपको जान पहचान, मतलब फ्रिज को भी ठीक कर सकते हैं, फैन को भी ठीक कर सकते हैं, चाहे वो स्टैंड फैन हो या फिर ऊपर वाला फैन हो, तो इस तरह को अगर आप ठीक करते हैं, और भर दिन में अगर 30 घर भी जाइएगा तो 200 रुपया भी आप जो लेते हैं दिन भर में, तो जोड़ लीजिए 30 घर और गुना 200 कर लीजिए, तो 6,000 तो यूँ आपका हो जाता है। तो 6,000 आपका यूँ हो गया, तो महीना में कितना हो गया, जोड़ लीजिए 6,000 200 गुना आप कर लीजिए 30, तो 6,000 तो हो ही जाता है, तो 6,000 गुना 30 बहुत ज़्यादा रुपया हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मोटा मोटी ये कोर्स बहुत ही अच्छा है, तो निश्चित तौर पे आप ये कोर्स कर सकते हैं।